नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी भर्ती या ग्रुप डी भर्ती, या फिर हम ग्रुप सी भर्तियों की बात करें तो चाहे ग्रुप एक और ग्रुप दो हो जिसमें जेई वाले साथी हैं, ग्रुप 56-57 जिसमें तो सभी प्रकार के पद हैं, और हरियाणा पुलिस भर्ती, इन सभी पदों के एग्जाम हो चुके हैं। अगर आप भी इन पदों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, और जो साथी इनके रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं वो अगर ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए भी अच्छी ही बात होगी। अब बात करते हैं साथियों कि आखिरकार आपको पता है कि हरियाणा पुलिस भर्ती और ग्रुप 56 हरियाणा पुलिस भर्ती का एग्जाम 25 अगस्त को हुआ है, ग्रुप 56-57 17 और 18 को हुआ है, और ग्रुप एक और दो का शायद 7 और 8 अगस्त को हुआ था, या जो भी इसमें एग्जाम डेट पर आप मत जाइएगा। यानी कि इन सभी ग्रुप्स का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आचार संहिता लग गई है, लेकिन आचार संहिता की कोई दिक्कत नहीं है, आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का आदेश है इन भर्तियों को 6 महीने में पूरा करने का। अब युवा भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और पिछले 2-3 दिनों से हमारे पास भी कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर आप भी इसके ऊपर वीडियो बनाएं, लेकिन आपको बता दें कि हम 2 दिन पहले, आपको भी पता होगा कि पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री जी के पास गए थे, इसी मुद्दे के ऊपर गए थे कि युवाओं को रिजल्ट और ज्वाइनिंग चाहिए हर हाल में। लेकिन अब कई साथी ये भी सोच सकते हैं कि अब पूर्व चेयरमैन के पास तो पद भी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। साथियों, हमें बात सीएम साहब तक पहुंचानी थी, और उसका पॉजिटिव, उस मीटिंग का पॉजिटिव रिस्पांस ये भी रहा है कि आपकी जो जो मुद्दे हैं वो सीएम साहब तक वैसे पहुंच भी चुके हैं, यानी कि सीएम साहब तक सारी जानकारियां बताने के लिए एक जरिया था भोपाल सिंह जी खत्री, वहां तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं, युवाओं से वो कनेक्ट रहते हैं इसलिए वहां गए थे। और जो जो मुद्दे हमने रखे हैं, जो जो आपके डाउट हैं कि 6 महीने का कोर्ट केस वाला, जो अप्रैल में एक हाई कोर्ट का आदेश आया था एक कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने के लिए, तो ये सब मुद्दे रखे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, उनके क्या जवाब थे वो आपको दिखा दिया गया है, और ये सब बातें सीएम साहब तक पहुंचाई गई है। लेकिन क्या युवाओं को यहीं पर रुकना चाहिए? जी नहीं, युवाओं को लगातार अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं तो यही कहता हूं कि राजनेताओं की मोटी चमड़ी होती है, जो राजनीतिक लोग हैं उनकी मोटी चमड़ी होती है, और हर बात उनको समझाने के लिए प्रयास करना बेहद जरूरी है। इसीलिए इसी कड़ी में सभी युवा प्रयास कर रहे हैं, 31 अगस्त सुबह 10 बजे रोहतक सेक्टर 6 राजीव गांधी स्टेडियम नजदीक गौशाला, यहां पर सभी साथी प्रयास कर रहे हैं, और इन प्रयासों के लिए निमंत्रण जरूरी है साथियों। और अमन डांगी की टीम को भी मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि लगातार वो प्रयास अच्छे कर रहे हैं, प्रयास उन्होंने पहले भी किए थे लेकिन माननीय हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो प्रयास सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब की बार कोई भी रुकावट नहीं है, इसलिए वो साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उनके प्रयासों को भी हम सिरे चढ़वा सकते हैं, लेकिन उनमें हमारा योगदान बेहद जरूरी है। सभी साथी रोहतक सेक्टर 6 राजीव गांधी स्टेडियम नजदीक गौशाला 31 अगस्त सुबह 10 बजे पहुंचे। और साथियों, जो जो अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सभी ग्रुप्स आपस में बटे हुए हैं, बटे रहने का इस समय कोई फायदा नहीं है, सभी देखिए अपनी अपनी तरफ से आप प्रयास जरूर करिए। दूसरी बात एक और है, अगर आप किसी का सहयोग नहीं कर सकते तो उसकी टांग खींचने की कोशिश भी ना करें, तो इसमें सभी युवाओं की ही भलाई है, आपस में बटने से कोई फायदा नहीं है, एकजुट होइए। अगर आप एकजुट नहीं हो सकते तो एक दूसरे का विरोध करना छोड़ दीजिए, भाई जो कर रहा है वो अपने हिसाब से उसको कर लेने दीजिए, वो किसी ने सही कहा है कि भाई आपने वो दोहे तो सुने होंगे कि भला किसी का करना इसको तो बुरा किसी का मत करना, आप बुरा भी क्यों कर रहे हो, अगर उसके लिए आप कुछ इंफॉर्मेशन दे सको, वीडियो बना सको, पॉजिटिव वे में कुछ कर सको तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आप विरोध तो मत करिए। तो जो जो अपडेट है वो लगातार पहुंचाते रहेंगे, आपके मुद्दे भी उठाते रहेंगे,
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।